गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम योर इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास फोर्थ. टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 3 इन ऑफ पेज नंबर 15. ओपन पेज नंबर 15. चैप्टर 3 इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सो जो सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस. सेंटेंस वो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स का समूह है, शब्दों का समूह है जो एक क्या कंप्लीट सेंस बनाता है. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. कितने काइंड्स सेंटेंसेस के? 4, विच इज स्टेटमेंट. स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह देते हैं. स्टेटमेंट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्परेटिव सेंटेंस. ठीक है, सो स्टेटमेंट कौन से होते हैं? स्टेटमेंट सेंटेंस वो सेंटेंस हैं जो हम नॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो क्या है हमारे स्टेटमेंट? स्टेटमेंट में 2 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, विच इज़ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. जिस भी सेंटेंस में नॉट आता है, जैसे आई डिड नॉट अटेंड दिस मीटिंग, तो कौन सा सेंटेंस हो गया? वो हो गया नेगेटिव सेंटेंस. अगर किसी सेंटेंस में नॉट नहीं आ रहा है तो वो कौन सा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वो सेंटेंस जिसमें हमें क्या लगता है कि ये क्या आपको पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है. जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, किसी इसमें लिखा है ना व्हाट इज़ योर नेम, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो कौन सा सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. और जो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये किससे एंड होते हैं? क्वेश्चन मार्क से. ओके, तीसरा है आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. कोई भी हमारी फीलिंग्स, जैसे हम परेशान हैं, दुखी हैं, गुस्सा आ रहा है हमें, हम खुश हैं, जैसे भी हैं हम, हमारी फीलिंग्स जो वर्ड्स हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वो कौन से सेंटेंस हो गए? वो हो गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. जैसे एग्जांपल है हाउ सैड ही इज़, वो बता रहा है कि वो कितना उदास है, तो ये हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो एक कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता ही आता है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नंबर विच इज 16. फोर्थ, इम्परेटिव सेंटेंसेस. दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सम कमांड, प्रोहिबिशन, एडवाइस और रिक्वेस्ट. वो सेंटेंस जो क्या करते हैं, किसी को, जैसे हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, वो सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं ये सब, तो उन्हें क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस. जैसे प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ मुझे अपना पेन दे दो, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, तो क्या हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस. बी क्वाइट, आई एम कमांडिंग यू टू बी क्वाइट. मैं आपको शांत रहने के लिए कह रही हूँ, मैं आपको क्या दे कर रही हूँ? ऑर्डर दे रही हूँ. तो ये आपका क्या हुआ? इम्परेटिव सेंटेंस. और जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. गुड बाय.